जी हाँ, तो दोस्तों बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि CSP के लिए बताए। तो जिससे इससे पहले मैंने CSP के लिए बताया था लगभग 1 साल पहले, तो अब जो रिक्वायरमेंट आई है न्यू CSP के लिए, स्टेट बैंक के CSP के लिए आई है, ये जून 2019 में इस CSP के लिए रिक्वायरमेंट आई है। किस कंपनी से आई है, कैसे क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या पेमेंट है, पूरा प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और सबसे पहले आप देख के उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं आपको किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो बताने वाला हूँ ये आपको CSP जो मिलेगा ये सब जीवनी कंपनी से मिलेगा, जो भारत की सबसे बड़ी स्टेट बैंक CSP प्रोवाइड कंपनी है। यहाँ पे इसके टोल फ्री नंबर भी आपको शो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है SBI लॉगिन, PNB लॉगिन, यहाँ पे बताया गया किन किन बैंक का इन्होंने CSP देते हैं, यहाँ पूरा इनका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह बताया गया है। यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म वगैरह सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर CSP रिक्वेस्ट है, वीडियो है, गैलरी है, CSP है, यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह है, यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए कुछ नोटिफिकेशन दिए गए कंपनी के द्वारा। यहाँ किससे अभी जो आपको CSP मिलेगा वो आपको स्टेट बैंक की CSP मिल जाएगी, क्योंकि अभी स्टेट बैंक की CSP इनके द्वारा स्टार्ट कर दी गई है वो भी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये स्टेट बैंक की CSP किन किन स्टेट के लिए अभी आया है। ये CSP अभी सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए आया है, बिहार और झारखंड के लिए CSP अभी आ चुका है। अगर बिहार और झारखंड के अलावा भी कोई स्टेट का CSP आता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। सिंपली से अभी जो आया हुआ है वो बिहार और झारखंड के लिए आया है, जब भी अगर अदर स्टेट के लिए आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप इस कंपनी से CSP लेना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको CSP रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से कंपनी में CSP के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा CSP चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको CSP के लिए पूरा प्रक्रिया जो होता है वो बता दिया जाएगा। याद रखेंगे ये जो CSP का भी आई हुई है ये सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए आई हुई है। इसमें मैक्सिमम समय जो अभी लग रहा है, समय की बात कर लेते हैं पहले, मैक्सिमम समय जो लग रहा है ये आपको लग रहा है 90 दे, मतलब 3 महीना समय लग रहा है, क्योंकि CSP अभी स्टेट बैंक का प्रोवाइड जो कर रहा है इसमें बहुत सारा समय लग रहा है। 3 महीने में आपका जो CSP है वो एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए CSP के लिए अप्लाई हमारे द्वारा किस तरह कर पाएंगे वो हमको बताएंगे। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सब आपको देना होगा। ये सब जैसे ही आपको देंगे तो कंपनी का आदमी आपके पास फॉर्म लेके आपके एड्रेस पर जाएगा। जब भी आपके एड्रेस पर फॉर्म लेके जाएगा तो वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट और आपसे सिग्नेचर वगैरह फॉर्म को फिलअप करवाएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो CSP के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा वो कंपनी के द्वारा। उसके बाद की जो प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, आप हमसे संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, और व्हाट्सएप नंबर हमारा लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं जो इसमें गलत सलत बोलते हैं कि मतलब CSP अभी नहीं मिल रहा है या इस ठग है या कोई भी चीज़ है। अगर भैया आपको ठग लगता है तो कृपया करके वो आप हमसे संपर्क ना करें, जिन्हें ये सही लगता वही हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैं अब 2 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर, जहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर को हासिल कर पाया हूँ। आपके कुछ पैसे के लिए मैं किसी से धोखा नहीं करूंगा, किसी को ठगता नहीं हूं। इसलिए बहुत जो भी ऐसा सोच रहे हैं वो अपने जहन से ये बात निकाल दे कि ठग रहा है। अगर आपको लगता है ऐसा तो कृपया करके मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूं वो हमसे संपर्क ना करें। अगर आपको सही लगता है तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप ना CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार झारखंड के रहने वाले हैं, अगर स्टेट बैंक की CSP लेना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।